चिकन करी चावल या रोटी के साथ खाना किसे पसंद नहीं। चिकन लवर्स का तो ये डिश पसंदीदा होता है। तो हे एवरीवन, आज मैं अपने चैनल फूड अप बीट्स पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली चिकन करी की रेसिपी, जिसे आप बार बार बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन को वॉश करके एक बड़े से बोल या बर्तन में ले लिया है। अब इसमें डालते हैं आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टेबलस्पून नींबू का रस, आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप मैरिनेशन में आधा टीस्पून चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला ले। मैरिनेशन में नींबू का रस जरूर डालें, क्योंकि नींबू चिकन का स्वाद बढ़ाता है और इसे नरम भी करता है, तो इसे स्किप बिल्कुल ना करें। अब इसे हम 20 से 30 मिनट के लिए साइड रख लेते हैं और चलते हैं इसके करी बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर ले और डाले 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल गर्म होने पर डाले आधा टेबलस्पून खड़ा जीरा। फिर इसमें डाले खड़ा गर्म मसाला, जिसमें मैंने लिया है एक तेज पत्ता, आधा टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 4 गोल मिर्च और 2 लौंग। फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखे और इसे चला ले। फिर डाले 3 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज और इसे भी अच्छे से भून ले। अब चलिए डालते हैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। पेस्ट बनाने के लिए मैंने लिया था 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। इन सबको 3 से 4 मिनट के लिए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून ले। अब इसमें डाले स्वाद के अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर ले और ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर ले। नमक डालने से प्याज थोड़ा नरम हो जाता है, इसलिए मैंने नमक पहले डाला है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटाकर डाले आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर। इन सारे मसाले को अच्छे से चलाते हुए लो फ्लेम पर भून ले। कुछ सेकेंड्स मसाले को अच्छे से भुनने के बाद इसमें डाले टमाटर की प्यूरी, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को मिक्सर में पहले से ही पीस कर रेडी कर लिया था। 1 से 2 मिनट इसे भी कुक कर ले और फिर डाले मैरिनेट किए हुए चिकन। फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखे और चिकन को मसाले के साथ अच्छे से भून ले। चिकन को मसाले के साथ लगभग 2 से 3 मिनट तक भुनना है। 2 से 3 मिनट चिकन को भुनते हुए हो गए हैं। अब इसमें डाले 1.5 कप पानी और इसे चलाकर डाले आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखें और ढक्कन लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को कुक कर ले। चिकन को अच्छे से पकने में लगभग 10 से 15 मिनट ही लगता है। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, तो ढक्कन हटाएं और डालें 1 टेबलस्पून के करीब धनिया के पत्ते। और ये लीजिए, बन गई टेस्टी चिकन करी की रेसिपी। अगर मेरी ये चिकन करी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे इस तरीके से इसे एक बार जरूर बनाएं, और रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर।